आप सभी को राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पन्हाड़ी गर्व। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका नाम क्यों रखा है आगे व्लॉग में। तब तक के लिए सस्पेंस है ये चीज़ कि मैंने इसका नाम ऐसे क्यों रखा। तो आज है 1 जनवरी 2024 और मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ नए साल में इस चैनल में। तो देखते हैं क्या मेरी जर्नी रहेगी इस चैनल में। प्लीज़ मेरा साथ देना, सपोर्ट करना और मैं आपको आज दिखाऊंगी कि क्या क्या करूंगी नए साल में। और भगवान करे आपका ये साल शुभ और मंगल में हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं नहा चुकी हूँ, सिर सिर धो लिया मैंने। अब मैं करूंगी पूजा भगवान जी को। सबसे पहले पहले दिन अपने जो भी आप भगवान जी को मानते हो उनको ज़रूर से याद करो, ठीक है। अब मैं मंदिर जाऊँगी उसके थोड़ी देर बाद, पहले पूजा कर लूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर में। इतनी ठंड है ना, आपको यहाँ का दिखाती हूँ। पूरी धुंध है, समझ नहीं आ रहा कैसा मौसम है। हाथ ठर रहे बाहर निकाल के, बहुत ठंडा मौसम। कितना ठंडा मौसम, करके आगे में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भगवान के। अब मैं घर जा रही हूँ, बहुत ठंडा है। अरे पापा देखने जा रहे हैं मंदिर में, तो हम जा रहे हैं। गुरुद्वारा नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं। गाइस गुरुद्वारे में भी दर्शन हो गए बहुत अच्छे से और मुझे प्रसाद मिला है। प्रसाद दादी ने आज न्यू लुक ट्राई किया सूट पहन के। अच्छा लग रहा है। ये हलवा बनाया सुबह सुबह मम्मी ने और बनाए हैं मशरूम और आलू की सब्जी और परोंठों के साथ। ये और ये प्रसाद और चाय। नहीं कोई ना, ठीक है। अच्छा लुक आ रहा दादी का। नवे साल की बधाई दे दो सब्सक्राइबर। बधाइयां लख लख थोनो परमात्मा बधाए फलाए, सुख शांति रखे मालिक। नया साल में सबका भला हो, जगत का भला। तो आप सभी को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरे दादी जी हैं और हाँ ठंड लग रही है दादी का। नया लुक दादी का देखो, सूट वैसे दादी साड़ी पहनते पर आज दादी ने नया लुक ट्राई किया है। पहले जनवरी को नया लुक है ना। और क्या, मगर मैं अभी सूट पा के देखो लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपको मम्मी अभी नाश्ता बना रहे हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। शाम का टाइम हो गया, मैं अभी सो के उठी, बहुत ठंडा बाहर, तो मैं चाय बना रही हूँ। बहुत ही ज्यादा ठंडा अदरक वाली चाय, मुझे भंडा नहीं मिल रहा मेरा कहाँ है। तो चश्मा लगाती हूँ, मेरा मेन फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चश्मा। बना रहे हैं दूसरे साइड में कॉफी और मैं इसमें पीऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। शाम को मंदिर, सुबह तो मंदिर जा रहे थे, अब मैं शाम को फिर जा रही हूँ मंदिर। कॉफी बन के तैयार है, उसके बाद से आपको मंदिर में मिलते हैं। मंदिर जा रही हूँ, देखो ठंड में अपने भाई के पहनेंगे। ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। सुबह तो धूप ही नहीं आई। तो गाइस काली माता के मंदिर आए हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे।
भाग ले रहे प्रसाद दे रहे हैं आगे दे रहे आगे गौशाला गौशाला में लोगों के पास उनको चारा खिलाने आ गए। अरे भीड़ है गौशाला में बहुत। आगे हैं और अब रात का टाइम हो गया तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ डोमिनोज का पिज्ज़ा और डोमिनोज का गार्लिक ब्रेड। पिज्ज़ा मैंने औरों के खाए हैं जैसे सी स्ट्रीट वाले, पर मैंने डोमिनोज वाला नहीं खाया, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। 200 रुपये का पड़ा मुझे एक मार्गरेटा पिज्ज़ा और एक मुझे मिला स्टफ गार्लिक ब्रेड। देखते हैं कैसा होता है, डोमिनोज का फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं और आपको सीधा मिलते हैं, अनबॉक्सिंग करूँगी उसकी मैं। फर्स्ट टाइम डोमिनोज का पिज्जा मैंने मंगाया है, टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसा है। अगर डोमिनोज का पिज्जा बता दो सही कौन सा है। ये मार्गरेटा पिज्जा 109 का पड़ा मुझे और गार्लिक ब्रेड 159 का पड़ा। सब सस्ता सस्ता मंगाया है इसने। सस्ता है मेरे तो जान निकल गई। चल टेस्ट करके बता जल्दी जल्दी। इसमें ओरिगैनो डाल दूंगी सीजनिंग। खुजा ठंड है, ठंड में हाथ ही नहीं चल रहे गाइस मेरे को। कैसा शक्ल से तो ठीक ठाक ही लग रहा है। मैं तो ये कहा ना वही हो, ये ऊंचे पकवान फीके ऊंची दुकान फीके पकवान की कहावत सही साबित हुई। ये बार ज्यादा अच्छा नहीं है। चलो गार्लिक ब्रेड दे। गार्लिक ब्रेड बता दे खाऊंगी आपको। ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मुझे, वैसे मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता। ठीक है पर मेरा भाई कहेगा कि ब्रेड है वैसे। चल ठीक है आज का हो गया ये ठीक ठाक लगा। दो सौ रुपए का एंडिंग करने जा रही हूँ, आपने सबने देख ही लिया मैंने पूरा सारा दिन क्या किया आज। तो गाइस मैं पहला व्लॉग इस चैनल में बनाया है और आपको प्लीज कमेंट करना आपको कैसा लगा व्लॉग, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं करूंगी जरूर। और प्लीज मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करिए, आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, जो भी होगा मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और जय श्री राम। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।